वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे मेरे शेर। आज हम लेकर आ गए सुपर सैटरडे में महा मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट ये बताता है कि मेरे शेरों का फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसा है। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का तीनों का एक साथ अगर टेस्ट होता है तो बच्चे का क्या स्कोर आता है। और इसीलिए अपन यहां पे बात करने वाले हैं फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश तीनों का महामॉक टेस्ट। और ये जो महामॉक टेस्ट होगा आज की क्लास में जबरदस्त होने वाला है। महामॉक टेस्ट का ये लेक्चर नंबर आज का 5 होने वाला है। अगर पहले के 4 आपने मिस किए हैं तो बेटा एक बात बोलूंगा, एक एक करके कंप्लीट कर लेना पांचों के पांचों। आज का टारगेट क्या होगा उसकी बात करेंगे। ये आपका राफेल 2.0 है, फिजिक्स के 25, इंग्लिश के 20 यहाँ पे, और मैथ्स के 25 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हम आपके लिए अप्लाई करने वाले हैं। ये एयरफोर्स नेवी एनडी के लिए हमने रखी है क्लास, और 4:30 बजे आपकी जो क्लास है वो आपकी क्लास की टाइमिंग है। क्लास को स्टार्ट करूं इससे पहले, ये हमारी टीम आरएसआर बेटा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं आपके लिए। ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पेज आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इन पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, ओपन करें, वहाँ पे डिफेंस कैटेगरी में जो आपका एयरफोर्स नेवी एनडी कैटेगरी, उसमें आप इस प्रोफाइल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी फ्री क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबह और शाम को। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो उसके लिए 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे हमारी क्लासें होती है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं बेटा आरएसआर लाइव कैपिटल लेटर में, देन आपको यहाँ पे 10% ऑफ होगा, और उसी प्राइस रेंज में आप बाकी सारे एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टीम आरएसआर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास का अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। क्लास स्टार्ट करूंगा इससे पहले एक छोटा सा प्रॉमिस चाहूंगा बेटा। सबसे पहले जो मेरे शेयर क्लास में पहुंच चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा हल्का सा। हाँ बेटा, हाँ हल्का सा, जो क्लास है उसमें जो पिक्चर है मेरा वो चिपक जाता है बीच में, है ना। हल्का सा जो क्लास है उसका पिक्चर थोड़ा सा बीच में चिपक रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हल्का सा प्रॉब्लम है बेटा, मैं भी देख पा रहा हूँ, बच्चों के कमेंट भी देख रहा हूँ, हल्का सा है, थोड़ा सा बेटा एडजस्ट कर लो। अब पूरा फोकस आपको क्लास पे करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ इश्यू रहा हो इंटरनेट में, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो थोड़ा सा इश्यू है, आप उसको एडजस्ट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, एक बार क्लास को शेयर कर दो, सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करो अपने अपने ग्रुप में। मैंने आपको मॉर्निंग में भी बोला था बेटा, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, दिलो जान से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन बस एक चीज है, आपका सपोर्ट हमें फुल चाहिए, पूरे लेवल से चाहिए, हर हाल में चाहिए बेटा। एक बच्चा एक शेयर कर देगा बेटा ओके, एक बच्चा एक शेयर जरूर करे अपने ग्रुप में। बच्चों को बताओ फटाफट से बुला के क्लास में ले आओ। सबसे पहली चीज, 70 क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं मेरे लाल, 70 क्वेश्चन। तो बेटा रफ कॉपी का पेज निकाल लो, इधर फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर डालो 1 2 3 4 5, ऐसे इंग्लिश का, ऐसे ही मैथ्स का, और जो सही होता है उसमें ऑप्शन ए बी सी जो भी है, सही है तो सही, गलत है तो गलत, सही है तो सही, गलत है तो गलत, और अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट करना, एनालिसिस करो बेटा अपने आप को कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, मेरी तैयारी कैसी है। ऐसे आंख बंद करके तैयारी करने से पता नहीं चलेगा पेपर में अभी आपको कहां इंप्रूवमेंट है, तो ये कैलकुलेशन जरूर करना, सही गलत का एनालिसिस करना। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, हम जब भी टाइम मिलेगा तो हम आपका वो एनालिसिस जरूर देखेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था बेटा। तो चलिए रेडी है सबके सब, सबके सब रेडी है बेटा, स्टार्ट करूं बेटा, रेडी है सबके सब, जल्दी बताओ रेडी है सबके सब थोड़ा सा गला खराब है भैया मेरा, ओके चलो रेडी स्टार्ट करें बेटा, रेडी है सबके सब, ओके
एक बार फटाफट से कमेंट में एग्री कर दीजिए, फटाफट से एक बार फटाफट से कमेंट में एग्री कर दीजिए बेटा। नेट चेंज किया एक बार, अब बताइए अभी ओके है? अब बताइए फुल ओके है बेटा? मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर दिया है, सेकंड का जो इंटरनेट अपना जो ऑप्शन है वो मैंने अप्लाई कर दिया है अभी, ठीक है? मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर दिया, दूसरा वाला लगा दिया है अभी, 100% ओके है? अब कोई दिक्कत नहीं है? ओके, अब 100% क्लियर है बेटा? फटाफट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहला सवाल, ओके? चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ओके, मैंने इंटरनेट चेंज कर दिया है, ठीक है? ओके, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। पहला सवाल बेटा, और टाइम आपका स्टार्ट। चलो बेटा देखिए, पहला सवाल और टाइम आपका स्टार्ट बेटा। देखिए पहला सवाल आपका स्क्रीन पर फटाफट, निम्न चार विमीय राशियों में से कौन सी राशि विमीय स्थिरांक है? वाओ गजब, सवाल पढ़िए। आउट ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनल क्वांटिटी विच वन क्वांटिटी हैज टू बी कॉल्ड डायमेंशनल कॉन्स्टेंट? जल्दी बताइए बेटा, डायमेंशनली कॉन्स्टेंट, जल्दी बताइए क्या बात है? फटाफट फटाफट, गुरुत्वीय त्वरण, जल का प्रस्थानांक, मानक किलोग्राम, द्रव्यमान का भार, या आपका निर्वात में प्रकाश का वेग? बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, और बच्चे पहले सवाल में ही जबरदस्त वाला टॉप लेवल पे आपका मेकअप है, टॉप लेवल पे आपका सवाल होने वाला है, और पहले सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस गए, पहले सवाल में ही बहुत सारे बच्चे फंस गए, ये बात ध्यान रखना बेटा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बराबर प्रकाश का वेग 3×10⁸, प्रकाश का वेग, याद आया? ये चीज समझ में आती है, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट, ठीक है बेटा? तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। राइट ऑप्शन के रूप में आपको क्लिक कर देना है, निर्वात में प्रकाश का वेग कॉन्स्टेंट राशियों के रूप में, ठीक है, स्थिरांक के रूप में, ओके? चलो आगे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया। फटाफट से बेटा क्लास को शेयर करते रहना, और बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश बेटा, फुल मॉक टेस्ट अटेंड करना, अपना फाइनल स्कोर शेयर कमेंट करके बताएगा या मैसेज करके बताएगा पूरा, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ अपने आप का कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं विभिन्न तलों में। ये देखिए, अब बताओ क्या कहूं मैं इस सवाल के लिए, आज का मॉक टेस्ट बहुत गजब होने वाला है, विभिन्न तलों में, एक प्लेन में नहीं। सबसे पहले मैं 3 सवाल पूछता हूं, तीनों का जवाब दूंगा। अगर 2 फोर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के एक प्लेन में, तो मिनिमम 2 आएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मिनिमम 2। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो एक ही प्लेन में कितने बेटा? 3, एक प्लेन में 3 मिनिमम, एक प्लेन में दो, एक प्लेन में 3, इनमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट, इनमें मैग्नीट्यूड सेम, एक प्लेन में। आगे आओ बेटा, डिफरेंट प्लेन में, आपके अशून्य सदिश, और वो भी मिनिमम कितने? 4। यहां पे प्लेन एक नहीं है, यहां पे प्लेन अलग अलग हैं, अलग अलग तल हैं, एक तल में नहीं है, तो मिनिमम कितने आएंगे बेटा? 4। ये 3D में मैं डायग्राम बना के बता नहीं सकता, ऐसे मान लो कि 2 इधर है, तो तीसरा इधर से सामने से है, और एक उधर से आ रहा है, मिनिमम कम से कम बैलेंस करने के लिए अलग अलग प्लेन में 4 बल चाहिए। ऑप्शन आपका सी विल बी राइट आंसर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन, समान आकार की 2 गेंदे जिनमें से एक का घनत्व दूसरे से अधिक है, समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तो इनमें से पहले कौन पृथ्वी तल पे पहुंचेगी? एयर रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, शाबाश, फटाफट, टी बराबर, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, √2h/g, टाइम पीरियड जो टी है, गिरने का समय है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली एच, हाइट पे डिपेंड करता है,
समान ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों एक साथ पृथ्वी पे आएगी, दोनों एक साथ क्या आएगी बेटा, पृथ्वी पे आएगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फोर। वृत्ताकार मार्ग पे प्रति मिनट 100 बार घूमने वाले कण का कोणीय वेग, टॉप क्वेश्चन, शाबाश। क्या बात है, जल्दी करिए बेटा। प्रति मिनट 100 बार घूमने वाला, देखो बेटा सवाल को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मेकअप है टॉप लेवल पे सवालों में। ओमेगा बराबर बेटा 2πn, क्योंकि हमें यहाँ पे 100 प्रति मिनट दिया आवर्ती, क्या दिए बेटा प्रति मिनट, तो ओमेगा बराबर 2π का वैल्यू 3.14n, कितने राउंड बेटा 100 राउंड पर मिनट, तो बेटा मिनट के लिए 60 का भाग लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पे 30 हो जाएगा। एक जीरो से अगर इस जीरो को काटेंगे, अगर मैं इस तीन को 3.14 से जुगाड़ में ही काट दूं तो आंसर लगभग 10 आएंगे। अब 10 में यहाँ पे 10 तो दो ही आंसर है, एक तो ये या एक ये। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो रेडियन पर सेकंड में आता है या आपका डिग्री पर सेकंड में, मुझे तो यूनिट बता दो आप। अब आप कहोगे सर वो तो रेडियन पर सेकंड में आता है, तो अपना आंसर हो गया बी न कि सी। अब जुगाड़ से इसमें कौन भाग लगाएगा, लपेट लिया, लगा लिया जुगाड़, आंसर आ गया ऑप्शन आपका बी। लेकिन याद रहे रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड नहीं आएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पे उत्तर पूर्व दिशा में बल आरोपित किया जाता है, इसको संतुलित करने के लिए दूसरे बल की दिशा क्या होनी चाहिए, फास्ट, वेरी फास्ट, तुरंत फोड़ो फटाफट से, शाबाश, ओके, वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल है। अब भाई मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ये आप कहां लगा रहे हैं बल जी, ये आपका पूर्व है और ये आपका नॉर्थ है, और ये कहां पे लगा रहा बेटा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, यहां पे कोई बल लगा रहा है। अब यार इसको बैलेंस करना है मेरे भाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल लगा दो, तो ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में सेम मैग्नीट्यूड का बल लग जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी, कुछ भी नहीं है, केवल घुमाया है आपको, और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने इसको गलत करना है, फोड़ के रख देना है। अपने आपको एनालिसिस करेंगे बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी और फिजिक्स में भी। एक कार क्षैतिज सड़क पे 100 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, कितनी दूरी तय करने के पश्चात कार को रोका जा सकता है, बेटा फिक्स फॉर्मूला, फिक्स क्वेश्चन आपका, जल्दी करो, दूरी निकालनी है बेटा, एस, बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी करो बेटा। देखो बेटा एस बराबर आपका यू स्क्वायर बटा 2μg, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया हुआ है, जब भी रोकने की बात आएगी तो ये दूरी अपन निकालेंगे, u वेग आपका 100 मीटर पर सेकंड दो बार आ जाएगा, 2μ का वैल्यू 0.5, जी का वैल्यू मैं 10 ले लूँगा, पॉइंट हटा दूंगा 10 से, और ये हो जाएगा आपका 50, 50 गुणा 10 कितना हो गया बेटा, ये तो 500 हो गया, क्या 5000 मीटर हो गया, ये क्या हो रहा है, देखो जरा कहाँ गड़बड़ हो रही है। अच्छा एक पाँच नीचे भी तो बच रहा है, एक पाँच नीचे भी तो बच रहा है, पाँच से पाँच कटेगा तो 1000 ही आंसर आएगा, ये पाँच भी तो बच रहा था नीचे, 1000 मीटर कहाँ पे बेटा, डी ऑप्शन, वेरी गुड, डी ऑप्शन बेटा आपका राइट आंसर आ रहा है, शेरू फोड़ना है बहुत बढ़िया लेवल से। अगला सवाल देखिए फुल एनर्जी के साथ में, और फाइनल स्कोर निकालेंगे आउट ऑफ 70, और अपना सिलेक्शन मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा, 50+ करके बताओ, 50+ करके बताओ, हर हाल में यही हमारा कट ऑफ है, मान के चलो 50+ तीनों सब्जेक्ट में मिला के, यस बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं है, निम्न में से कौन सा अप्रत्याश संकट नहीं है, अरे भाई अप्रत्याश का मतलब होता है चिपक जाना जाके, अब बताओ दो कांच के कंचे कभी चिपक सकते हैं क्या, नहीं, तो पहला ही हमारा आंसर हो गया, रेत के थैले में गोली फंस जाएगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गले मिल जाएंगे, है कि नहीं है, और गतिशील कार में व्यक्ति कूद जा रहा है, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, ये ऑप्शन आपका,
क्योंकि वो कार के अंदर कूद रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कार में गिरे बाहर भी गिर सकता है, लेकिन कार में गिरेगा तो उसमें फंस जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट पूछना, लेकिन ज्यादा सही ये तो 100% कंफर्म है कि कांच के कंचे कभी चिपक नहीं सकते, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा डी के बजाय। अपन फर्स्ट प्रायोरिटी ए को देंगे, देन डी को देंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ा दें कि वह पृथ्वी पर उपग्रह नहीं रह जाए? ओहो, 8 बताओ बेटा, 8 में आओ फटाफट, 8 में आओ जल्दी से, फोड़ो 8 को। चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी पर उपग्रह नहीं रहेगा? अरे सुनने में आया है कि एस्केप वेलोसिटी √2 times होगा, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको? यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी जब चक्कर लगा रहा है तो उस कक्षीय वेग को अगर √2 गुना कर दोगे तो वह प्लायन वेग हो जाएगा, और प्लायन वेग होते ही वह पृथ्वी को छोड़ के वहां से निकल जाएगा। तो √2 times यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल देखो, किसी तार का बल नियतांक निर्भर नहीं करता है। वाह भाई वाह, क्या बात है, किसी तार का बल नियतांक निर्भर नहीं करता है, शाबाश। देखो बेटा, तार का जो बल नियतांक है, जो यंग मॉडुलस में आप लेके आते हो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक में आप लेके आते हो, वो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, लंबाई पर भी डिपेंड करता है, त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है। तो कहते हैं जिगरा चाहिए ऑप्शन डी लगाने के लिए, इसने बोला निर्भर नहीं करता है। अगर ये कहता कि निर्भर करता है तो हम कहते ऑल ऑफ अबाउ, उपरोक्त सभी पे। इसने बोला नहीं करता है तो भाई इन सब पे तो करता है, तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे राइट ऑप्शन के लिए, नन ऑफ अबाउ, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए अपने को डी ऑप्शन आपका सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि निर्भर नहीं करता, इन सब पे तो करता है, तो डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला सवाल, क्या बात है, फटाफट आगे आ जाओ बेटा, जल्दी से क्लास को शेयर करो बेटा, नजर लगी है क्या? अरे 2K लाइव सोल्जर ही नहीं आ रहे, फिर क्या कर रहे हो हैं? एक सप्ताह में एक क्लास आपका एनालिसिस के लिए लगाते हैं, महा मॉक टेस्ट का। अगर आप उसको भी इंटरेस्ट रुचि लेके नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ कैसे काम चलेगा? देखिए जल्दी से फटाफट, शेयर नहीं करोगे बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? यदि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दूसरे अन्य साबुन के बुलबुले की त्रिज्या की 4 गुनी है, अच्छा जी, दाबों का अनुपात, बेटा सोप बबल है ना, तो बेटा P = 40/R, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, दाबों का अनुपात होगा बेटा P1 P2 = R2/R1। अब बताओ अनुपात यहाँ पे, पहले वाले की त्रिज्या R1, बाद वाले की त्रिज्या R2, ये क्या कहता है? एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दूसरे बुलबुले की त्रिज्या की 4 गुनी, यानी पहले वाले की 4 गुनी है, तो दूसरे वाले को 4 से गुणा करोगे तभी तो बराबर होगी। और ये रेशियो वाला कैंसर खत्म कर भाई इसको, क्यों बढ़ा के रखा है? तो बेटा R2/R1 चाहिए ना, तो बेटा R2/R1 4 इधर आएगा तो 1/4, यानी R2/R1 का वैल्यू 1/4, बोले तो ऑप्शन ए। क्या कहते हो बेटा, गलत कर रहे हो क्या? बी पे भी लगा रहे हैं, मैं देखता हूँ कितने, ओए देखो देखो ये लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बना लो कैंसर तुम अनुपात का, ले बैठेगा पेपर में ये तुम्हारे को, जैसा बोलता है वैसा काहे नहीं करते, अपने आप जवाब आएगा, या तुक्का लगा रहे हो, कैसे काम चलेगा बेटा इससे? देखो आगे आओ, अगले सवाल पे फटाफट देखो। सरल आवर्त गति में 3 वस्तुओं की कोणीय वेग ये है, संगत आयाम ये है, तो वस्तुओं के द्रव्यमान और वेग समान है, तो क्या बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए बेटा, शाबाश। गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाया, V = A ओमेगा या V = ω जो भी है, यहाँ पे इसने A दिया हुआ है आयाम, मैं आयाम को R ले सकता हूँ त्रिज्या के रूप में, तो V = A ओमेगा आपने लिया। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई तकलीफ है, दिक्कत है बेटा? अगर वेग समान है ना भाई, सबके वेग समान है, कहाँ गया हो, ये रहा वेग समान है, द्रव्यमान की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अपन अगर वेग समान है तो A1 ओमेगा 1 = A2 ओमेगा 2,
बराबर ए थ्री ओमेगा थ्री बराबर कहाँ पे आ रहा है, पहले ही ऑप्शन में आ रहा है। बताओ दिक्कत किसी बच्चे को? और ये कहते हैं गुरुजी आज का पेपर तो कतई जहर है, कतई जहर है बेटा, क्लास में आओगे तो पता चलेगा ना जहर है कि नहीं है। बहुत मेहनत की जा रही है बेटा, बहुत बाद में फील होगा आपको ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। महा मॉक टेस्ट का मतलब है अपने आप को एनालिसिस करना क्लास में फाइनल एग्जाम के लिए, तीनों क्लासों को एक साथ, बहुत जरूरी है बेटा ये क्लास आपका। किस वेग पर जल की धारा का वेग शीर्ष पारे के 40 सेंटीमीटर स्तंभ के दाब के तुल्य होगा? क्या बात है, किस वेग पर जल की धारा का वेग शीर्ष, ओहो अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो जल्दी करो फास्ट। देखो बेटा v स्क्वायर अपॉन 2g बराबर h, अब आपको पता ही है यार क्या होना है, v स्क्वायर बराबर 2gh, v बराबर अंडर रूट आपका 2gh, मैं डायरेक्ट भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 2g का वैल्यू कितना ले, 10 ले ले गया, चलो h का वैल्यू कितना ले, 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना पड़ेगा क्या, ये तो सेंटीमीटर में ये कहा टेंशन ले रहे हैं, तो फिर जी का वैल्यू 10 क्यों रखा, तो बड़ी दिक्कत है, तो 10 की जगह फिर आपको 1000 रखना पड़ेगा इधर, चलो 100 से मल्टीप्लाई कर लो कोई बात नहीं है। अब अंडरूट निकालो, चलो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, 1, 2, 2, 4 का अंडरूट तो कितना हो गया 2, यानी 100, और 4 का अंडरूट कितना आ गया यहाँ पे 2, और 1, 2 बच गया जो अंडरूट 2 में बच गया, तो ये कितना हो गया बेटा, रूट 2 का वैल्यू 2 गुणा रूट 2 का वैल्यू 1.414 गुणा 10 की घात 2, बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, ये छोड़ो आप दो अंक, 2.8 गुणा 10 की घात 2, 2.8 गुणा 10 की घात 2, 2.8 गुणा 10 की घात 2, चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.8 और 1 दशमलव ये और 1 जीरो, 280 के आसपास, 282, 432, 832 पहला ऑप्शन। सर ये 282 है आपका, 280 है, सर हम यहाँ पे जो वैल्यू है जी का वैल्यू 10 रखा है, 9.8 नहीं रखा है, तो ये जुगाड़ से हमारा काम हो गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, टॉप लेवल का क्वेश्चन आपका, पेपर बहुत गजब का है बेटा, सवालों को हल्के में लेने की गलती मत करो, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो साइड डबल क्वेश्चन हो गया है, यस अब देखो बेटा, किसी निकाय के अव्यवस्था की कोटि, ओहो बेटा केवल और केवल डेफिनेशन है, कई बार बताया है मैंने, कई बार मैंने इस सवाल को आपको बताया है, जरा गौर से देखना बेटा, अव्यवस्था, अरे अव्यवस्था का मतलब है एंट्रोपी, अव्यवस्था बोले तो एंट्रोपी, कौन से लॉ से लिंक करती है, सेकेंड लॉ, याद रखना बड़ी काम की चीज है, अव्यवस्था है ना, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर यानी आपका एंट्रोपी, ऑप्शन आपका डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंग में एक दूसरे से 0.8 मीटर की दूरी पर स्थित दो कणों के मध्य का कालांतर यदि पाई बाई टू है, अरे वाह कतई जहर गुरुजी आज तो, वाह देख लो बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा बेटा, कलांतर बराबर 2π बटा लेमडा इंटू पतांतर, मेरे भाई कलांतर कितना है पाई बाई टू, लिख दे बेटा देखना कैसा सवाल बनेगा पेपर में, 2π बटा लेमडा, पतांतर कितना है, पतांतर ये रहा बीच की दूरी यानी यही पतांतर 0.8, तो ये हो गया आपका 0.8। एक काम करते हैं बेटा, पाई से पाई कटेगा, आपको लेमडा निकालना है तो लेमडा बराबर 1.6 और 2 का भाग लग जाएगा यानी 0.8 आ गया लेमडा। सर आपने लेमडा क्यों निकाला, क्या निकालना है, चाल निकालनी है, अरे वी बराबर एन लेमडा, एन का वैल्यू ये रहा, ओहो 0.8, पॉइंट हटाओ जीरो से, कितना हो गया ये 8 × 2 = 16, 1, 8 और 1 = 9, 96 हो रहा है क्या, कहाँ पे आ रहा है 96, नहीं आ रहा पूरा 96, ये वैल्यू किस में थी, मीटर में थी, ये वैल्यू किस में थी, मीटर में थी, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, चेक करो एक बार कहीं गड़बड़ तो नहीं है, चेक करो एक बार, देखो फटाफट से बेटा।
पाई यहाँ पे, लेमडा चला जाएगा इधर, 8 × 2 = 16, 1.6 बट्टा 2 कैसे आएगा, 2 तो गुणा में जाएगा ना, बट्टा 2 नहीं आएगा, 2 गुणा में आएगा, तो ये 3.2 आएगा मेरे भाई। ओहो ये 2 गुणा में जाएगा मेरे लाल इधर, 3.2 आपका, 3.2। चलो यहाँ पे करेक्शन करो थोड़ा सा बेटा, वैल्यू सही पुट नहीं किया आपने, वैल्यू अपना आंसर पूरा पूरा आ ही नहीं रहा है। तो बेटा v बराबर n, n कितना है बेटा 120, और ये आपका 3.2, पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो बेटा v बराबर 12 × 24 = 4, 2 × 36 और 2 × 38, 384 कहाँ पे, अरे वाह मेरे लाल, ये बाय द वे हमें गुणा करना था, हमने भाग लगा दिया। पेपर में होगी, आपसे भी ये गलतियां होगी बेटा, आपसे भी जल्दीबाजी में गलतियां होगी। ये अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से, शाबाश। एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की ऊर्जा, जल्दी करो फटाफट से लपेट दो बेटा। एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत रखेंगे तो धारिता Cm बराबर Ck, Cm बराबर Ck यानी धारिता बढ़ेगी, और धारिता बढ़ेगी तो ऊर्जा बराबर Q स्क्वायर बटा 2C, अगर धारिता बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगी। सर ये फॉर्मूला ले रहे हो, दूसरा ले लो बेटा, 1/2 CV² से ले लो। अगर यहाँ पे अपन कह रहे हैं सर इसको बढ़ रहा है, या विभव की बात हो रही है, बैटरी कनेक्टेड है नहीं, 1/2 QV विभव की बात हो रही है नहीं, बैटरी कनेक्टेड है नहीं, तो ऑप्शन आपका केवल और केवल बी ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन लगाना होगा। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपने भी गलत कर दिया। चलो कोई बात नहीं है बेटा, देखो कितना अच्छा सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 को जरा ध्यान से। समांतर प्लेट संधारित्र की वायु संधारित्र को V वोल्ट तक आवेशित किया और फिर बैटरी हटा दी है, और अब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं। बेटा V बराबर क्या होता है, Q/C, तो Q/C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C का वैल्यू A/0/D, आपने बैटरी हटा दी है तो चार्ज अब बढ़ नहीं सकता, एरिया बढ़ नहीं सकता, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली डी, प्लेटों का मध्य का विभवांतर है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर भी बढ़ेगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे बेटा पेपर में इस तरीके से, और मेरे सिर फोड़ के आएंगे, फोड़ के बताएंगे कि सर हम इस तरीके से पेपर देख के आए हैं। शाबाश बेटा, बनाए रखो अपनी एनर्जी फुल जोश के साथ में। यदि धातु के तार के लिए अनुपात V/I, ओहो क्या बात है। शाबाश शाबाश शाबाश, अरे V/I ओम का नियम हो गया मेरे भाई, R हो गया, R = V/I, यानी ये कंडक्टर के लिए है, और कंडक्टर के लिए आपको पता है ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, ताप के साथ बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, कैसे, क्योंकि V/I का मतलब है R, V/I का मतलब क्या है R, घुमा घुमा के पूछ रहा है आपको, तो ताप के साथ में बढ़ेगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो सावर्ट लो बेटा, याद रखना इसका फॉर्मूला, न्यूमेरिकल नहीं, फॉर्मूला इसका, न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, फॉर्मूला पूछ लेगा। फटाफट से, फास्ट बेटा, बहुत अच्छे। देखो बेटा DB बराबर KIDL साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, K का वैल्यू है, IDL साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ऑप्शन सी। कितने बच्चों ने फोड़ा है, 18 का सी, कुछ बच्चे ए भी बता रहे हैं, ठीक है, यस बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, फास्ट, ओए होए, देखो कहाँ पूछ रहा है, गड़बड़ करेगा बच्चा, इसमें मेकअप है, इसमें ये एन और एस, बाहर एन से एस,
लेकिन अंदर एस से एन की ओर, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, पहला ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला सवाल, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा। दो भिन्न तार के लूप समकेंद्रित है, ढंग से पढ़ो इस सवाल को, मजा आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो देखो बेटा, एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है, समकेंद्रित है, एक तल में स्थित, बाहरी वाले लूप में धारा, इसमें क्लॉकवाइज, तो भैया इसमें एंटी क्लॉकवाइज, लेंज का नियम उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उत्पत्ति होती है, तो उत्पन्न होने वाली धारा इसके अपोजिट में बहेगी, अगर ये इधर जा रही है तो ये इधर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी। ये फोड़ा मेरे शेरों ने, शाबाश, कतई जहर हो रहे हो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 गजब का कैलकुलेशन है, गजब का कैलकुलेशन है बेटा। आज फिजिक्स में बच्चे ने 17 भी फोड़ा है ना, पेपर में 17 नहीं 20 फोड़ के बता देगा आज का जो फिजिक्स का पेपर में लेके आया हूं, गारंटी के साथ दावा करता हूं। अगर आज 17 प्लस कर दिए ना मेरे शेर, तो इसी पेपर पैटर्न पे एग्जाम में 20 प्लस करके बता देगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो बेटा, ई बराबर एच न्यू होता बेटा, एच न्यू, एच का वैल्यू 6.6, देखो दो अंकों तक ले लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो अंकों तक ले लो आप बेटा, इसने दो अंकों तक दिया है, ई बराबर 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34, एच न्यू, न्यू का वैल्यू कितना है 10 की घात 15, तो 15 कम करो बेटा, तो 6.6 गुणा 10 की घात 15, 19 बच जाएगा माइनस का, तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, पहला ऑप्शन आ रहा है क्या, चेक करो, पहला ऑप्शन आ रहा है, अरे वाह मेरे से पहले फोड़ दिया है, कतई जहर, क्या बात है क्या बात है, फास्ट फास्ट फास्ट, पेट दिखा के भागने वाले पेपर फोड़ने वाले नहीं हो सकते, जो यहां डर गया वो पेपर क्या फोड़ेगा फिर, है चोक कुंडली का उपयोग क्या क्या करते हैं बेटा, चोक कुंडली किसके लिए जल्दी बताओ, अरे यार चोक का मतलब होता है चोक करना, कंट्रोल करना, किसको कंट्रोल करना, प्रत्यावर्ती धारा को, एसी धारा को, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 फास्ट बेटा, शाबाश, लाइक करना भूल गए, लाइक करना भूल रहे हैं कुछ बच्चे, लाइक कर दो फटाफट से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है यदि नेत्रिका की फोकस दूरी, होए होए देखो बेटा मैग्निफिकेशन पावर होता ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, वो होता है बेटा 1/2 एफ नोट एफ ई, या ऐसे कह सकते हैं एम बराबर एम नोट एम ई, आपको याद है बेटा ये मैग्निफिकेशन पावर, ऐसे इसको इन्वर्स में लिखा है मैंने, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर अपन अगर ये बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा, तो बेटा जो आपका कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन पावर बढ़ानी है, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को क्या करो, कम करो, एफ ई कम होगा तो एम बढ़ेगा, तो बड़ा जबरदस्त जुगाड़ है भाई साहब, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 23 में, वाह मेरे लाल, कर दिखाएगा तू, तू कर सकता है। पतली फिल्म में रंग का क्या कारण है, बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल की फिल्म रंगीन दिखाई देती है, फिक्स क्वेश्चन आपका, फटाफट से, शाबाश वेरी गुड। 23 नहीं बेटा 24 बताओ जल्दी से, 24 बताओ फटाफट से। अरे प्रकाश का व्यतिकरण मेरे भाई, एंटोफियंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फोड़ दे बेटा फटाफट से फोड़ दे, आवृत्ति मिनिमम, शेयर करो बेटा जल्दी से, 2K लाइव करो यार, बुलाओ अपने दोस्तों को फटाफट, बस फटाफट से बेटा जल्दी से। यस, देखिए बेटा यहां पे अगर अपन बात कर रहे हैं, आपके लिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है, तो भैया जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, लेमडा सबसे ज्यादा होगा, उसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ऑप्शन डी आ रहा है, अरे ए लगा रहे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो वेव,
यहां पे वेवलेंथ मिनिमम पूछ रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी मिनिमम पूछ रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम पूछ रहा है बेटा, शाबाश, फ्रीक्वेंसी मिनिमम बेटा, क्लियर है? चलो अब बहुत बढ़िया, अब यहां से बेटा इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी आपकी, इंग्लिश की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में मैथ्स वाले सर आएंगे फुल एनर्जी के साथ में। एक बार क्लास को शेयर कर दो, 50 प्लस के कट ऑफ क्लियर करके देनी है, 50 प्लस का कट ऑफ होना चाहिए हर हाल में। और फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त थे आज, अगर बच्चे ने अगर आज के पेपर में फिजिक्स में 17 प्लस भी कर लिया ना, पेपर में गारंटी देता हूँ 20 प्लस करके बताएगा। लीजिए सर फटाफट से। बिल्कुल, अब इंग्लिश के पेपर को फोड़ने के लिए रेडी हो जाओ एकदम से, बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश के अंदर इतना टाइम आपको मिल नहीं पाएगा। फिर भी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, सारे बच्चे रेडी हैं? बिल्कुल, कर दिया जाए स्टार्ट। तो बेटा ये लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होने वाला है। राहुल वाला क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। ये लीजिए, आपके टाइम की एंडिंग हुई। बेटा समझते हैं क्वेश्चन को, बड़ा आसान है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इज टीचिंग आपको नजर आ रहा है तो हमें बीइंग टॉट देखना पड़ेगा, इज आर एम के साथ में हमें बीइंग देखना पड़ेगा। और हमारा यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो बन रहा है द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, ये भी हो सकता है द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर टॉट, इसमें बीइंग नहीं आया। फिर हमने देखा द चिल्ड्रन आर टॉट, इसमें केवल आर टॉट है, इन द स्लम ये होगा नहीं। डी को चेक कर लेते हैं कि द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, चिल्ड्रन प्लूरल है सर, तो आर हो गया, बीइंग हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी टॉट हो गई और बाई के बाद में राहुल हमने लगा दिया। तो बेटा डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर दो में बढ़ते हैं, फटाफट से देख लीजिए। हाउ वेल सी सिंग्स, डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा, फटाफट से फोड़ दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये लीजिए, टाइम की एंडिंग हुई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एवरीबडी सेज, सर हमें यहां पे दिखाई दे रहा है सेज, अगर हमें यहां सेज दिखाई दे रहा है इसका मतलब आगे आने वाला टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो सर कमेंट्स सेज टेल्स और सेज, ठीक है, यहां इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट, यहां हाउ लिख दिया, यहां डेट और यहां डेट, ओके। डेट के बाद में सर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारा यहां पे लिखा हुआ सी, तो सर सी सही है, सी सही है, ये तो गलत हो ही गया ना, ये सी सही है और ये सी सही है, ओके। सर सिंग्स का सिंग्स ही होगा, सिंग का यहां जो सिंग्स लिखा हुआ सिंग्स ही होगा, तो ए ऑप्शन यहां ये गलत हो ही गया था, इसके अंदर हमने देखा सेंग कर दिया और इसके अंदर हमने देखा सेंग कर दिया, तो बेटा ये तीन तो गलत हो गया, आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो गया, बड़ा इजी था। चलिएगा कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर तीन में आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन नंबर तीन, शाबाश। लीजिए, टाइम की एंडिंग हो गई और सर हमें यहां पूछा क्या जा रहा है कि सर ये वर्ब लिखी हुई है यहां पे, ये लो सर वर्ब है, वर्ब से पहले हमारे पास में सर यहां पे सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट है ही एंड आई, एक लिखा हुआ है आई एंड ही, एक लिखा हुआ आई एंड हिम, तो सर हिम वाला तो गलत हो गया, ही एंड मी वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। मैं आपको कुछ बता दूं कि बेटा प्रोनाउन का क्वेश्चन है, 21 और 31 का क्रम होता है, उसके अंदर आगे जाकर हमें और मिलना चाहिए और 23 के क्रम में हमें आगे जाकर योर मिलना चाहिए, पहली बात तो यह होती है। इनका उल्टा भी क्रम होता है सर, 12 और 13 का क्रम, 12 और 13 वाले क्रम के अंदर सर नेगेटिविटी होनी चाहिए सेंटेंस में, सबसे बड़ा रोग यही है कि 12 और 13 वाले नियम में, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, तो सर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की ही बात की जा रही है, नेगेटिविटी होनी चाहिए, लेकिन सर इस सेंटेंस में तो टुगेदरनेस है,
इस सेंटेंस में तो टुगेदरनेस है, तो बेटा 21 और 31 का क्रम ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा कि सर ये जो 13 लिखा हुआ है ना ये गलत हो गया, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिविटी नहीं है, क्रिमिनलनेस नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन भूल मत जाना, ए ऑप्शन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ओहो काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है ये तो। लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 फोड़ दो बेटा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 शाबाश। शाबाश ए ऑप्शन होगा बेटा, है ना, ध्यान रखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए फटाफट से, ये लो बेटा टाइम की एंडिंग हुई और आजकल ये काफी टैग क्वेश्चन के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं। अंजलि डांसेज, बेटा डांसेज लिखा हुआ है और हमने देखा सर डांसेज है तो हमारा आंसर होगा डज से रिलेटेड, और वाक्य पॉजिटिव है तो सर नेगेटिव बना देंगे, डजंट हो जाएगा, और अंजलि का हमारा बन जाएगा सर सी, तो हमारा आंसर होना चाहिए सर डजंट सी, क्वेश्चन नंबर 4 की सर बी ऑप्शन इज राइट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 ओके वेरी गुड। चलिए आराम से कीजिए बेटा, जल्दबाजी नहीं करना है, गलत नहीं करना है क्योंकि आपको कहा गया कि 50 क्रॉस करनी है, 50 क्रॉस करनी है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कि सर लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, लुक डाउन अपॉन का मतलब किसी को घृणा से देखना होता है, लुक इनटू का मतलब सर किसी चीज में मतलब छानबीन करनी होती है, लुक आउट का मतलब सर किसी चीज को बाहर की तरफ अलर्ट करना, वॉचफुल करना हो जाता है। तो देखो योर सेल्फ, अपने आप का ध्यान रखना ऑन द जर्नी, अपने आप का ध्यान रखना जर्नी यात्रा में, कि बेटा लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपने आप का ध्यान रखना जर्नी में यात्रा में, कहीं किसी कोई अपना सगा संबंधी जाता है तो हम उसको ये कहते हैं ध्यान रखना अपना, है ना, तो लुक आफ्टर हो गया हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में लुक आफ्टर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ और क्या पूछा जा रहा है जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ फटाफट से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 प्लेस ऑफ एस्किमो, बेटा एस्किमो लोग कहां रहते हैं वो आपको बताना है, एस्किमो लोग कहां रहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन को कि सर प्लेस ऑफ एस्किमो, एस्किमो का घर पेलिस होता है क्या सर, राजा महाराजाओं का होता है, कार्वेन ये भी नहीं होता, इग्लू सही है बेटा, इग्लू होता है जो वो बर्फ के छोटे छोटे घर होते हैं ना, बर्फ वाले घर, उनको इग्लू बोला जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इग्लू हो जाएगा क्योंकि एस्किमो जनजाति इग्लू के घरों में रहती है, बर्फ के छोटे घरों में रहती है। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ चुके हैं, आराम से जल्दी से कीजिए बेटा, पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट से। बेटा दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया जाएगा, है ना, ऐसे ये कोई वो क्लास नहीं चल रही अंडरस्टैंडिंग वाली, आपको थोड़ा सा फोकस धीरज करना होगा कि सर पेयर बताओ कौन सा पेयर पास्ट पार्टिसिपल का रॉन्ग है, पास्ट पार्टिसिपल का, बेटा ये एक ऐसी वर्ब है जिसकी दो वर्ब होती है, एक बिड होता है बोली लगाना, भूल मत जाना बेटा इस वर्ड को, बिड मतलब बोली लगाना और बिड का मतलब एक विदाई वाला भी होता है ना, तो सर बिड बिड और बिड ये सही है, इधर से बात करूं तो सर बिड बेइड और बिडन ये दो तीन वर्ब है, थोड़ा कंफ्यूजेबल होती है ध्यान रखिएगा, तो सर बिड की बिडन सही है, बाइंड बाउंड बाउंड ये भी सही है, बाइट बाइट बिट और बिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन आनी चाहिए थी सर यहां पे, सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 लो बेटा पढ़ लो, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, सेंटेंस अफर्मेटिव में है इसको नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब कुल मिलाकर अफर सेंटेंस नेगेटिव में है, अफर्मेटिव में चेंज करो बिना अर्थ चेंज हुए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए बेटा,
अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ही प्यारा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, कि सर नौ सुनर वाला वाक्य है, नौ सुनर के साथ में हेड आ रहा है, हेड ही हर्ड सही है, नौ सुनर के साथ में देन आ रहा है, ठीक है। तो सर ये तो नौ सुनर वाला वाक्य है, नौ सुनर नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ लेकिन अर्थ ये ही होना चाहिए। तो सर नौ सुनर को चेंज किया जाता है एज सून एज में, कि एज सून एज जैसे ही हर्ड उसने सुनी द बेल घंटी की आवाज, तो ही रेन आउट वह दौड़कर बाहर गया। नौ सुनर हेड ही हर्ड द बेल, कि उसने घंटी सुनी ही थी, उसने घंटी सुनी ही थी कि वो दौड़कर बाहर गया। ए ऑप्शन इज राइट हियर, बाकी सारे हमारे इसके अंदर गलत हो रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। नौ सुनर को अगर चेंज करने के लिए कहे, जैसे रिमूव टू के अंदर सो देट लगाते हैं ना, तो नौ सुनर को चेंज करने के लिए कहे तो एज सून एज में बदलना होता है। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर आठ के बाद में क्वेश्चन नंबर नौ, PQRS का क्वेश्चन है बेटा, PQRS का फोड़ो फटाफट से। शाबाश, सबसे पहले सब्जेक्ट को चेक करो बेटा, सब्जेक्ट क्या है? द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, देट ड्रॉ पीपल आउट, देट शुरू में नहीं आएगा, लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेड टू सिविल, इसका मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ आएगा, आर के पहले देखो क्या है, आर के पहले पी है, आर के पहले क्यू है तो क्यू होगा नहीं, और आर के पहले क्यू है तो सर ये भी नहीं होगा, आर के पहले पी देखना है, या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, चेक करते हैं। तो सर इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, पी आर क्यू एस, पी आर एस क्यू, अच्छा इनमें कंफ्यूजन है, चलो पढ़ लेते हैं, पहले शुरू वाले को ही पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद में, ठीक है ना, कोल्ड वॉर के बाद में, एकदम सही है, कोल्ड वॉर के बाद में, फिर आर पढ़ो, लेड टू सिविल कंफ्लिक्ट, सिविल कंफ्लिक्ट हो गया, जनता में युद्ध होने लग गया, उसके बाद में कंफ्लिक्ट होने लग गया, जो देट ड्रॉ पीपल आउट, जिसने लोगों को भगा दिया फ्रॉम देयर होम्स, उनके घरों से, इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा सही है, फिर भी बी को पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ना जरूरी है। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर होने के बाद में, लेड टू पी के बाद में आर कहां है, ये रहा, लेड टू सिविल कंफ्लिक्ट, सिविल कंफ्लिक्ट हुआ जो फ्रॉम देयर होम्स, नहीं ये नहीं होगा, ए ऑप्शन इज राइट हियर, एनडीए में आया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बताओ। बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, मजा आ रहा होगा आज तो, है इंग्लिश का पेपर इजी लग रहा होगा, है चलो कोई नहीं बेटा। कि ही डजंट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता, ही डज नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता, नॉर, बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव दिखा रहा है, सुनना ढंग से, पहले वाला सेंटेंस हमें नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस के बाद में कोमा आ रहा है, फिर आ रहा है नॉर, इसका मतलब आपको नॉर का यूज करना ही होगा, ये नेगेटिव है तो सर ये भी नेगेटिव होगा, कि ही डजंट स्मोक, वो स्मोक भी नहीं करता है, और नॉर आई डिड, और ना मैं करता हूं, इस वाले सेंटेंस को, ऐसे वाले सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है बताओ, ऐसे वाले सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, कि सर ऐसे वाले सेंटेंस में नॉर, नॉर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट। तो बेटा नॉर देखो, यहां नॉर आ गया, नॉर के बाद में सर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो ये तो गलत है, तो सर नॉर आई ये गलत, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, नॉर आई तो ये गलत, तो बेटा सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, नॉर डू आई, कि सर नॉर मिल गया, नॉर के बाद में हेल्पिंग वर्ब मिल गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट मिल गया, सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा, इजी था, नॉर के बाद में एच एस वी ओ, नॉर के बाद में एच एस वी ओ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर
11, आराम से बताइएगा। शाबाश। कि सर परफेक्ट पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है कि सर हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, जो आ गई। रिजाइंड के बाद में सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये भी आ गया। चलो ठीक है कि हैविंग रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज जॉब, अपनी जॉब से रिजाइन देने के बाद, इतना तो सही है। फिर लिखा हुआ है मिस्टर, सब्जेक्ट हो गया कुलकर्णी ने। लेफ्ट कि सर जब परफेक्ट पार्टिसिपल का वाक्य आता है तो आगे वाला वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब इंडेफिनेट टेंस होता है, लेफ्ट द टाउन। सर आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, नो एरर, कहीं कोई गलती नहीं है। हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रिजाइन है, रिजाइन है तो हिमसेल्फ आ गया, हिमसेल्फ के बाद में हमने फ्रॉम हिज जॉब, अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया, तो मिस्टर कुलकर्णी लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सारा सब सही है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर आगे में आ जाओ, कौन सा बताया जा रहा है। ओके ये लीजिए, टाइम स्टार्ट। प्रोमिस्क्यूचियस बताओ बेटा फटाफट से, प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस क्या होता है। ये लीजिए सर हमारे पास में एक नया वर्ड आया है प्रोमिस्क्यूअस। ये प्रोमिस्क्यूअस क्या होता है सर, प्रोमिस्क्यूअस एक ऐसा पर्सन होता है जो इमोरल होता है, नैतिकहीन है ना, IMMORAL, इमोरल। इस इमोरल व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, इस इमोरल व्यक्ति को बोला जाता है इनडिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, इनडिस्क्रिमिनेट। हाँ बिल्कुल, वेंटन भी बोल सकते हैं, दुष्ट टाइप का व्यक्ति ये होता है। फिर लिखा हुआ है सर वर्चुअस, वर्चुअस तो गुणी होता है। स्पॉन्टेनियस सर ये तो सिंपल होता है, नेचुरल होता है, ठीक है ना, सिंपल नेचुरल। हाँ बिल्कुल ठीक है, सिंपल नेचुरल ठीक है। और एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्पीसियस, ये क्या होता है कॉन्स्पीसियस। सर कॉन्स्पीसियस होता है इजीली सीन, जिसको आसानी से देखा जा सके। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। प्रोमिस्क्यूअस इमोरल पर्सन होता है जिसको इनडिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, ठीक है, दुष्ट टाइप का अलग सा। चलो बेटा अपोजिट पूछा जा रहा है, एग्जैस्पिरेटिंग, एग्जैस्पिरेटिंग, एग्जैस्पिरेटिंग क्या होता है फटाफट से बताओ, एग्जैस्पिरेटिंग, एग्जैस्पिरेटिंग। शाबाश, वेरी गुड, बताया जा रहा है एग्जैस्पिरेटिंग। बेटा एग्जैस्पिरेटिंग का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, किसी को क्या करना, बहुत ज्यादा परेशान करना, इरिटेट करना, कुचरनी करना। हाँ कुचरनी टाइप का हो गया, इरिटेट करना, किसी को नाराज करना भी इसको हम कह सकते हैं, मतलब एनोइंग भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो अपोजिट क्या होगा, आराम देना, सुदिंग करना, सूद करना मतलब किसी को काम करना, किसी को शांत करना। तो सर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुदिंग करना, क्योंकि एग्जैस्पिरेटिंग का मतलब होता है किसी को एनॉय करना, नाराज करना, कुचरनी करना या फिर इरिटेट करना। क्लियर है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। साइंस ऑफ द रेसिस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की जो रेसिस होती है ना उसके विज्ञान को क्या बोलते हैं, उसके विज्ञान को क्या बोलते हैं फटाफट से। शाबाश, आई थिंक टाइम मैं ज्यादा ले रहा हूं, है ना, टाइम ज्यादा ले रहा हूं। चलो मैं आपको आंसर आंसर बताते हुए चलता हूं बेटा, आंसर आंसर बताते हुए चलता हूं, थोड़ा देख लीजिएगा कि सर साइंस ऑफ द रेसिस ऑफ मैनकाइंड को क्या बोला जाएगा। कि सर हमारा आंसर होगा इथनोलॉजी, इथनोलॉजी के अंदर मानव के करेक्टर का अध्ययन किया जाता है, मानव की करेक्टर, ह्यूमन करेक्टर की स्टडी की जाती है, वो इथनोलॉजी कहलाता है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे आगे से इशारा हो रहा है कि सर टाइम हो गया, जल्दी करो। चलिए बेटा आगे बढ़ता हूं, फटाफट से कीजिए क्वेश्चन नंबर 15। टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक लेना, क्या है बताओ फटाफट से, थोड़ा सा नमक लेना मतलब थोड़ा सा ही लेना, थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या निकलेगा। टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक मतलब थोड़ा सा क्या, क्या थोड़ा सा, कि सर थोड़ा सा होगा रिजर्वेशन,
थोड़ा सा क्या करना, सम रिजर्वेशन करना. ए ऑप्शन इज राइट हियर. बिल्कुल शाबाश मेरे बच्चे. हाँ, ए ऑप्शन इज राइट हियर. क्लियर है? टू टेक विद सम रिजर्वेशन. आगे बढ़ता हूं. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है. और राइट स्पेल्ड पूछी जा रही है बेटा. राइट स्पेल्ड बताओ फटाफट से. राइट स्पेल्ड मैनर बताओ फटाफट से. शाबाश, थोड़ा सा जल्दी चला गया है ना. कोई नहीं बेटा, 12 बजे वाली क्लास को जरूर से ज्वाइन कीजिए करीजिए बेटा. वहां पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन की. बेटा मैनर्ड, एम ए डबल एन ई आर ई डी, मैनर्ड. तो सर यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, मैनर होगा. एम ए डबल एन ई आर ई डी, एम ए डबल एन ई आर ई डी, मैनर्ड होगा. ठीक है मेरे बच्चे, चलिएगा आगे बात करते हैं. सर ये पेसेज है बेटा, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो कि व्हाट वाज द टोन ऑफ द एसे एट द बिगिनिंग. जब आप इस एसे को पढ़ोगे तो इसकी टोन क्या है, थोड़ी सी अच्छी वाली है, दुखी वाली है, डरावनी टाइप की है, क्या है वो बताना है. हाउ डिड द अराइवल ऑफ द डॉग चेंज एट द एटमोस्फेयर ऑफ इवेंट. इस वाले पैराग्राफ में कहीं ना कहीं कुत्ते की एंट्री होगी, और जब कुत्ते की एंट्री होती है तब कैसा वातावरण हो जाता है, अच्छा हो जाता है कि ज्यादा बुरा हो जाता है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है. व्हाट वॉज द इमोशन डिस्प्ले बाय द डॉग. कुत्ते के द्वारा कौन से इमोशंस, कौन सी भावनाएं इसमें दिखाई जाएगी. फियर, जॉय, एंगर, अलार्म, पता लग जाएगा बेटा. सेम टू सेम लिखा हुआ है, कोशिश करना. व्हाट वॉज द सरप्राइजिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द डॉग. इसमें सरप्राइज कर देने वाला कुत्ते का क्या एक्शन होता है, क्या काम होता है, वो पढ़ना है. लीजिए स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से. टोन बतानी है बेटा, क्या टोन है ऐसे की. देखो प्रिजनर पकड़ रखा है, आर्म से शोल्डर से पकड़ रखा है, और धक्का मारा जा रहा है, और मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, ड्रेडफुल है. इसका मतलब कुल मिलाकर थोड़ा सा दुख भरा है. सेलिब्रेटिव, सेलिब्रेशन तो नहीं हो रहा. इमोशन, इमोशनली की बात नहीं हो रही है. इसमें बात हो रही है बेटा दुख की. ग्लूमी टाइप का यहां स्टार्ट हो रहा है, ग्लूमी टाइप का, दुख टाइप का, कि दो वार्डर्स को पकड़ रखा है, उसको धक्का मारा जा रहा है, कैदियों के रूप में राइफल से उनको पकड़ रखा है, बंदूक उनके कनपट्टी पे लगा रखी है. सी ऑप्शन बेटा है ना, सी ऑप्शन. और पढ़ना है इसको. और देखो, हाउ डिड द अराइवल ऑफ द डॉग चेंज द एटमोस्फियर. यहां से पढ़ना शुरू करो, थोड़ा यहां से पढ़ना शुरू करो. कुत्ते की एंट्री देखो बेटा, कुत्तों की एंट्री देखो फटाफट से. बताओ फटाफट से कि सर इट कॉज्ड द पीपल टू सेक्रेड, है ना, स्केटर ये नहीं है. इट अलाउड टू द प्रिजनर टू एस्केप, भागने की इजाजत की बात नहीं की गई. इट सेडेंड टू द प्रिजनर इवन द मोर. इट स्टंड एवरीवन प्रेजेंट देयर. मतलब जैसे ही कुत्ते की एंट्री हुई वहां पे, वो कैदियों को पकड़ कर लेके जा रहा है, लेकिन जैसे ही कुत्ता आता सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कुत्तों को देखने लगते हैं. तो सर हमारा आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन. हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन. शाबाश, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट वाज द इमोशन डिस्प्ले बाय द डॉग. कुत्ते का क्या इमोशन यहां पे दिखाया गया है, कुत्ते का क्या इमोशन यहां पे दिखाया गया है, फटाफट से बताओ बेटा. कुत्ते का क्या इमोशन है, कुत्ते को देखते ही क्या हो जाता है. शाबाश, कुत्ते को देखते ही क्या हो जाता है, सब लोग क्या करने लगते हैं.
वेरी गुड, कि सर कुत्ते को देखते ही सभी लोगों को क्या आने लगती है, मजा आने लगता है, जॉय आनंद आने लगता है सर। फियर एंगर और अलार्म का कोई नाम नहीं था, जॉय हंसी मजाक की इसके अंदर हमारे बात की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं कि सर व्हाट वाज द सरप्राइजिंग अबाउट द एक्शंस ऑफ द डॉग, डॉग ने ऐसा क्या किया कि सब लोग सरप्राइज होने लग गए, बताओ फटाफट से। आया है यही कहीं आया है बेटा, यहां कहीं आया है, देखो फटाफट से यहां से पढ़ना शुरू कर दो, यहां से पढ़ना शुरू कर दो फॉर ए मोमेंट, यहां से पढ़ो सभी, यही कहीं आंसर है, देखो फटाफट से। फॉर ए मोमेंट इट प्रांस्ड राउंड अस एंड देन बिफोर एनीवन कुड स्टॉप इट, इट मतलब कुत्ता, हेड मेड ए डैश फॉर द प्रिजनर, प्रिजनर के पास में वो जाता है, जंपिंग अप कूदने की कोशिश करता है, टू लिक हिज फेस और उसके चेहरे को चाटने लगता है, एंड 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 यहां कहीं था, एंड इट रैन डाउन द पाथ, इट बिट द गार्ड्स, इट बार्ड एट द गार्ड्स, इट लिक्ड द प्रिजनर्स फेस, और प्रिजनर के चेहरे को क्या करने लग जाता है, चाटने लग जाता है। इस प्रकार से ये आपका पेपर था, बड़ा आसान पेपर था, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। कितने आपके मार्क्स आए ये सारी बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लीजिए अब मुकेश सर का पेपर आने वाला है, स्टार्ट कीजिएगा मैथ्स का पेपर। अब बारी है भाई मैथ्स की, तो तैयार है ना बेटा फोड़ने के लिए, ठीक है ना, नाक मत कटा देना है, या तो दिल तोड़ दो या फिर रिकॉर्ड तोड़ दो। 25 क्वेश्चन है और बहुत आराम से आपको क्वेश्चंस को करने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम दूंगा 20 सेकंड, चलो 20 सेकंड कर लेते हैं टाइम, है ना, 25 सेकंड कर ले, चलो 25 सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना, हार्ड नहीं है, टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। पहला सवाल प्रकट करता हूँ आपके सामने, ये लो जी पहला सवाल। ए आपके पास एक वर्ग आव्यु है, तो निम्न में से कौन सा आव्यु सममित नहीं है, कौन सा आव्यु सिमेट्रिक नहीं है, ये आपको बताना है, बोलो फटाफट। कौन सा आव्यु, कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये आपको बताना है, बोलो। रेडी हो 25 में से 25 के लिए, वाह भाई क्या बात है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैथ्स का है, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, फटाफट से कमेंट में टाइप करो। पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस वाला जो फंक्शन होता है, माइनस वाला जो होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगला सवाल, ए प्लस बी प्लस सी की पावर एन के विस्तार में पदों की संख्या, पिछली बार एयरफोर्स के एग्जाम में ये वाला सवाल था भाई, है ना, पिछली बार एयरफोर्स के एग्जाम में ये वाला सवाल था, बताना क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए प्लस बी प्लस सी की पावर एन के विस्तार में पदों की संख्या, में देखना चाहता हूं सबसे पहले किस बच्चे का जवाब आता है, देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आंसर दिया है बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, अरे भाई बिल्कुल, अगर 3 टर्म आपके पास यहां पे होती है तो आप जरा देखो कि गुरुजी n बराबर, जब हम यहां पे 2 रखेंगे ना, n बराबर 2, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की पावर आपके पास 2 करने से इसमें जो टर्म आती है वो आती है 6, याद है कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इसके फॉर्मूले के अंदर 6 टर्म होती है, तो n बराबर 2 रखने से जिसमें 6 आ जाए वो ऑप्शन सही है, n बराबर 2 रखने से इसमें 3 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें n बराबर 2 रखोगे तो 3 × 4/2, इसका मतलब इसमें गुरुजी 6 आया और ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ, सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कलकत्ता एक वर्ड दे रखा है और इसके अंदर क्या पूछा है भाई, से बनने वाले सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले सभी क्रमचयों की संख्या कितनी है, हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन लेकिन मैच करने की कोशिश करना, ठीक है, फोड़ देना बेटा फोड़ देना, या तो फोड़ दो या दिल तोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3, कलकत्ता, कलकत्ता में कितने हैं भाई, 8 अक्षर हैं, 8 अक्षर है और 8 अक्षरों से फैक्टोरियल 8 बनेगा, लेकिन इसमें सेम कितने हैं कि गुरुजी यहां पर ए जो है वो है आपके पास 2 बार, कि गुरुजी इसके अंदर सी भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 बार, कि गुरुजी इसमें टी भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 बार, ठीक है, इसका जब प्रसार करोगे 6 का प्रसार याद है ना आपको, कितना होता है 6 का प्रसार, 720 × 7 × 8 और लिख लो, नीचे आपके पास आएगा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0
49,150, इसका मतलब 5,040 आपका राइट आंसर हुआ। डी बी ऑप्शन आपका सही है भाई, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपके पास है फोर्थ, फटाफट से क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू है एम, तो ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर है एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है। बोलो फटाफट जवाब दो। मोस्ट स्कोरिंग सबसे ज्यादा 25 में से 25 मार्क्स आने चाहिए बेटा मैथ्स में, लगा दो पूरा दमखम, लगा दो जी जान लगा दो। क्वेश्चन नंबर फोर में कौन सा ऑप्शन सही आएगा बेटा? आप इन दोनों का वर्ग करके जब जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जब आप जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर और दोनों को जब आप प्लस करोगे, तो इसका स्क्वायर करने से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपके पास 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये जो आएगा उसमें आएगा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, उसमें आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर में। अब तक तो भाई साहब बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका फाइव, फटाफट से। साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट। चलो जी बेटा, साइन इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, दो साइन इनवर्स को जब हम एक जगह करते हैं तो एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। एक्स की जगह 1/3 वन माइनस 4/9 आपके पास आ जाएगा, वाई की वैल्यू है 2/3 वन माइनस 1/9 आपके पास आ जाएगा। सोल्व करोगे यहाँ पर क्या बचेगा, 5/9 बचेगा प्लस आपके पास 2/3, इसको सोल्व करोगे तो 2√2 आएगा बटे आपके पास 3 बचेगा। जरा सोल्व करोगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन सही है भाई, सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका हो चुका है। अगला सवाल, अगर तीन पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो ए का वैल्यू आपको बताना है फटाफट, ए का वैल्यू बताना है फटाफट, माइंड कैलकुलेशन का सवाल है। बी वाले लुल हो गए। क्वेश्चन नंबर सिक्स लगाओ मेरे लाल, लगाओ फटाफट। चलो जी टाइम आपका हो चुका है इस सवाल के लिए। बेटा जब कोलिनियर होते हैं तो स्लोप बराबर होता है, स्लोप निकाल लो। माइनस ये दो में से माइनस 5 जाएगा 3, इसमें से ये जाएगा कितना 4 बराबर, इसमें से ये गया तो a प्लस का 2, स्लोप निकाल रहा हूं मैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन 6। आप जरा देखो इसको इससे मल्टीप्लाई 2 और ये हुआ 3, इधर मल्टीप्लाई करोगे 9/2, इसका मतलब a प्लस 2 बराबर होगा 9/2, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब 5/2 आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट्स का सवाल है, सिंपल सवाल है और जवाब देना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, बताओ जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है बेटा, है ना, थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ो और स्कोर करना है 20+ तो करना ही है, कोई हाल में ही करना है, नहीं तो माँ का दिल टूट जाएगा, या तो माँ का दिल तोड़ दो या फिर रिकॉर्ड तोड़ दो, 55+ तो करने आज। चलो जी बेटा हो चुका टाइम आपका, ये जो आपको दे रखा है 5θ cos थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा और नीचे आपको जो दे रखा है 3θ प्लस 10θ, आप इसमें ऐसा करो थीटा का डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे थीटा का डिवाइड कर दो, हर स्टेप में थीटा का डिवाइड कर दिया, थीटा का डिवाइड कर दिया, थीटा का डिवाइड, इससे तो आपका ये कैंसिल हुआ, थीटा बराबर 0 रखा तो इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ तो कितना बचा 5, इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, लिमिट
थीटा टेंस टू जीरो होती है तो इसकी वैल्यू एक, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है एक, और ये इससे कटेगा तो क्या बचा तीन। इसका मतलब 3/4 आपका राइट आंसर, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल हो तो ओमेगा की पावर 99101 का मान आपके पास क्या होगा, बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम आपका हो चुका है बेटा, बहुत सिंपल सवाल था। ओमेगा की पावर 99 कॉमन ले लो, 99 कॉमन लोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, काम खत्म, काम खत्म। डी आंसर आपका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में 0 आंसर आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। वाह भाई ये आया सवाल बेहतरीन, आपको दे रखा है ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है एवं ए व बी और बी व सी के बीच समांतर माध्य एक्स और वाई है, बेहतरीन सवाल दिया है, आ जाओ। टाइम अप भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये था, आपको दे रखा था ए बी सी जी पी में है, ए बी सी जी पी में है तो मैं इसको ऐसा मान लूँ क्या, 1, 4 और 16 मान लूँ, सही है जी पी में है क्या, जी पी में है, देखो जी पी में है। अच्छा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में है एक्स और ये है आपके पास वाई, ये क्या दे रखा है एक्स और वाई, ये जो एक्स है वो है ए बी का समांतर माध्य, एक्स जो है ए बी का समांतर माध्य, ए और बी है 1 और 4 है तो इसका समांतर माध्य मतलब एक्स बराबर 5/2 आएगा और वाई जो होगा इन दोनों का समांतर माध्य, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा, ये वाई का वैल्यू है। वैल्यू रखो ए, ए का वैल्यू कितना है 1/x, एक्स का वैल्यू क्या है 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस आपके पास सी अपॉन वाई, सी का वैल्यू कितना है 16 और वाई का वैल्यू कितना है 10, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा, एलसीएम लेके जब आप ऐड करोगे तो इसका मतलब आपका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 2 और सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। आप इसको कैसे भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 4 जिस बच्चे ने माना है ना उसका भी राइट आंसर आएगा, उस केस में एक्स जो हो जाता 3/2 हो जाता और वाई जो हो जाता वो कितना हो जाता 3, कैलकुलेशन करके देख लेना, राइट आंसर सी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10, आएंगे भाई साहब सवाल आएंगे बढ़िया वाले, लगाओ जी क्वेश्चन नंबर 10। टाइम अप हो चुका बेटा, आपको कहाँ पूछा है ए यूनियन बी का डेस, ए यूनियन बी का डेस का मतलब होता है इन दोनों गोलों के बाहर, इन दोनों गोलों के बाहर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप निकालोगे तो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब आप जानते हो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि वो होता है गुरुजी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, यहाँ पे वैल्यू रखो। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है 20, माइनस ए में कितने एलिमेंट है 12, बी में कितने हैं 9, इंटरसेक्शन में कितने हैं 4, 12 और 9 कितने हो गए 21, और 21 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो 17, इसका मतलब 20 माइनस 17 करने से कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, 5 ऑप्शन वाला सवाल था। अगला सवाल बेहतरीन सवाल, आ जाओ मैदान में फटाफट से। मोड एक्स प्लस मोड वाई बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, पिछले बार एयरफोर्स के एग्जाम में था, पिछली बार एयरफोर्स के एग्जाम में ये वाला सवाल, मोड एक्स प्लस मोड वाई बराबर 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लगाओ दिमाग लगाओ,
टाइम हो चुका है बेटा। ऐसे सवाल को करने के लिए मैं आपको लॉजिक बताऊं कि एक बार तो आपको दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ऐसे केस में मोड डायरेक्ट हट जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 1। आपके पास x तो ग्रेटर देन 0 हो और y अगर लेस देन 0 हो तो लाइन बनेगी एसी ऐसा, और एक अगर x नेगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है तो ये बनेगा माइनस x प्लस वाई बराबर 1। अगर आपका दोनों का दोनों ही नेगेटिव है तो लाइन जो बनेगी माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये आपके पास चार टाइप की लाइन बनेगी ये जब मोड दे रखे इनको हटाने से। अच्छा बेटा ये एक लाइन कहाँ से पास होती है जरा देख लेते हैं कहाँ से पास होगी। पहले इस लाइन की चर्चा करते हैं, ये वाली लाइन x बराबर 0 रखा तो y बराबर 1, इसका मतलब यहाँ से 0,1 से, और y बराबर 0 रखा तो x बराबर 1, इसका मतलब ये रेखा आपके पास यहाँ से गुजरेगी। सेम दूसरी रेखा इधर से, ये वाला पॉइंट आएगा -1,0, और सेम ये वाली रेखाएं आपके पास चारों रेखाएं इस तरीके से जाएगी, ये वाला पॉइंट 0,-1। ये बनता है आपके पास एक रोम्बस, चाहे आप इसको स्क्वायर भी मान सकते हो, रोम्बस है या स्क्वायर मान लो। तो ये आपके पास इसका एरिया आपको निकालना है, सीधी सी बात है। आप चाहे तो साइड निकाल लो, इन दोनों के बीच में दूरी आपके पास कितनी है अंडर रूट 2, और इसका जब आप एरिया निकालोगे तो क्या होगा जरा देखो, साइड की लेंथ आ गई अंडर रूट 2, तो आपके पास एरिया आ जाएगा साइड स्क्वायर 2। आपके पास राइट आंसर है 2c² / ab। वाह भाई वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई, 2c² / ab से कर लिया बच्चे ने। वैसे डायरेक्ट आंसर होता है 2c² / ab होता है, लिख लेना बेटा। a मोड x प्लस माइनस b मोड x और बराबर अगर c होता है तो फॉर्मूला होता है 2c² / ab। ठीक है लिख लेना, जब दोनों का मोड आ जाए तब फॉर्मूला। अगला सवाल आपको बतानी है मीडियन मतलब माध्यिका, फटाफट माध्यिका बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट, माध्यिका मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करनी है, क्या होगी मीडियन। क्वेश्चन नंबर 12 मीडियन कैलकुलेट करनी है। चलो जी टाइम आपका हो चुका है बेटा, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9, उसके बाद में 10, उसके बाद में 11, उसके बाद में 12, उसके बाद में 14। कितनी टर्म्स है कि गुरुजी 7 टर्म है, तो बीच वाली टर्म ही मीडियन होती है, बीच वाली टर्म मीडियन होगी, तो राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बेटा टर्म देखो कितनी है 4 और 3 7, तो मीडियन होता है 7 + 1/2, इसका मतलब फोर्थ नंबर की टर्म, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद में फोर्थ टर्म मीडियन होती है, 10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 बोलो जी, अगर ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है तो आपको आर का वैल्यू बताना है, आर का वैल्यू क्या होगा। बोलो रेखा अगर वृत्त को स्पर्श करती है तो आर का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 और फास्ट करो फटाफट। चलो जी टाइम आपका हो चुका बेटा, कोई भी लाइन अगर सर्किल को टच करती है तो आप जानते होंगे कि उस सर्किल के सेंटर से इस पर डाला गया लंब जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है। इस सर्किल का सेंटर है 1,2, इस कोष्टक को और इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, रेडियस कितनी है r। अब परपेंडिकुलर निकाल लो इस लाइन पर, 4x + 3x + 4y - 1 = 0। जब आप लंब की लंबाई निकालोगे 3, 2 रखोगे तो 8 - 1/√a² + b² यही होता है आपके पास p की लंबाई, तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 में, r बराबर आपके पास जो रेडियस r बराबर कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन, वाह भाई क्वेश्चन नंबर आपका है 14। चलो जी बताओ, समीकरण के मूल बराबर है, पहली इक्वेशन के रूट इक्वल है और इस इक्वेशन का एक रूट 2 है। क्वेश्चन का नंबर लिख दिया करो बेटा, कौन से क्वेश्चन का आप आंसर देते हो पता नहीं चलता। बेटा इसका एक रूट देखो क्या दे रखा है 2, तो इसका मतलब 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 जब आप इसमें रखोगे
चार प्लस का दो लेमडा माइनस बारह बराबर आपका जीरो, इसमें से माइनस करोगे लेमडा बराबर तो कितना आया चार, पहले नंबर पे लेमडा का वैल्यू होगा। और इस इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल है, मूल बराबर है, तब कंडीशन लगाते हैं बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, बी बराबर है लेमडा, लेमडा स्क्वायर बराबर चार इंटू ए इंटू सी, ये आपके पास होगा। इसका मतलब लेमडा बराबर चार रखोगे तो चार का डिवाइड करते ही म्यू बराबर भी कितना आ जाएगा फोर, फोर कोमा फोर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक बच्चा अनूप प्रताप, भाई साहब क्या चाहते हो आप है? बेटा माँ बाप ने इतने संघर्षों के बाद में पाल पोस कर बड़ा किया है ना, और अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते हो तो और बच्चों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट लो जी। दीर्घ वृत्त के नाभियों के बीच की दूरी है 16 और उत्केंद्रता 1/2 है, तो दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगी, बोलो कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। नाभियों के बीच में दूरी है 16 और इसेंट्रिसिटी है 1/2, दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछी है क्या होगी। टाइम अप, टाइम हो चुका सवाल के लिए। जरा देखो क्या क्या आपको गिवन है। आपको नाभियों के बीच में दूरी, दीर्घवृत्त ये होता है और नाभियों के बीच में दूरी होती है 2ae होती है ना, और उत्केंद्रता क्या है 2ae बराबर दे रखा है 16, e बराबर क्या दे रखा है 1/2। जब आप यहाँ पे रखोगे तो 2a इंटू ए का मान 1/2 बराबर 16, 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आया, और यही तो होता है 2a, तो होता है मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है। इसका मतलब राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, लो जी लगाओ फटाफट। दो सदिश ए और बी के मध्य एंगल जब थीटा हो और ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो बताना है थीटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, चलो जी बेटा जरा देखना, ए डॉट बी जब हम निकालते हैं, ए डॉट बी जब हम निकालते हैं वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, आप क्या जानते हो बेटा मैग्नीट्यूड तो क्या होता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब कोस पॉजिटिव हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है, ये कोस थीटा जब पॉजिटिव होगा, कोस थीटा जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तब ये वाली कहानी बैठेगी। और आप जानते हो कोस थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कि गुरुजी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आपका सी ऑप्शन सही होगा, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, ठीक है जी आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है दोनों प्लेन के बीच में एंगल, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, आपको एंगल बताना है दोनों प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा, बोलो जी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। चलो जी टाइम आपका हो चुका है। बेटा दो प्लेन के बीच में एंगल निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है कोस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ए वन स्क्वायर, ये वाला है ना। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा माइनस का 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा प्लस का 6, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस का 8, और नीचे आपके पास आता है रूट ए स्क्वायर, एक्स का कोपिसेंट 1, वाई का कोपिसेंट 2 का स्क्वायर, जेड का कोपिसेंट का स्क्वायर, अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर 25, प्लस आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये वाली बात होगी। और इसका क्या कर लो मोड, 14 में से 5 गया तो कितना आएगा 9 बटे आपके पास 3, अंडर रूट आप जरा देख लो ये आएगा 50, और 50 को लिखा जाएगा क्या, 50 को लिखा जाएगा 5 अंडर रूट 2, ये आपका इससे कैंसिल हो गया 3/5 अंडर रूट 2, 3/5 अंडर रूट 2, और नीचे से स्क्वायर रूट को जब आप हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10। इसका मतलब राइट आंसर हुआ पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो जी।
क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, R से लेकर R में एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी का मान क्या होगा। कितना सीधा सा सवाल है, एफ ऑफ जी का मान क्या होगा बेटा। एफ ऑफ जी का मतलब है आपको एफ के अंदर एक्स की जगह जी रखना है, एफ के अंदर ये रहा एक्स, एक्स की जगह जी, जी का मतलब है एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपको बताना है पीरियड, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है इसका पीरियड आपको बताना है, आवर्तनांक आपको बताना है क्या होगा, इसका आवर्तनांक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, और बेटा जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाए तो आप तीनों सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स इंग्लिश मैथ्स में कितना कितना स्कोर हुआ है और 70 में से कितना आपका स्कोर हुआ है, ठीक है। और पेपर के रिगार्डिंग हमारा प्यार रिव्यू जो भी आपको है वो जरूर आप कमेंट करना। आप जानते हो साइन का कितना होता है कि गुरुजी साइन का होता है 2π, लेकिन यहाँ पर x के साथ में मल्टीप्लाई में है π/2, तो उसका आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये तो हुआ साइन का क्या 4 हो गया, अच्छा उसका करोगे कोस का भी होता है क्या 2π, लेकिन यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाई में है तो π/2 का होगा डिवाइड, कितना आया 4 और 4, और इनका क्या करना होता है LCM, और 4 और 4 का LCM करोगे तो 4 ही आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक दिष्ट हास्यमान होगा कब होगा, जवाब देना है एक दिष्ट हास्यमान डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 20, एक दिष्ट हास्यमान मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, चलो जी जरा समझो बेटा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए होता है f डेस x लेस देन जीरो। जब आप इसका f डेस करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 12, ये आएगा लेस देन जीरो। आप जब 6 का इधर डिवाइड करोगे x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 लेस देन जीरो, जब आप इसका फैक्टर बनाओगे x-1 x-2 लेस देन जीरो, और इसको जब आप प्लॉट करोगे तो आपके पास आएगा इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखने से 1 आएगा, और इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखने से 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको कौन सा लेना है लेस देन मतलब नेगेटिव, वो वाला है 1 और 2, 1 से लेकर 2 के बीच में, और वो ऑप्शन है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट आंसर है भाई, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। अगला सवाल लो जी ध्यान से देखना और फिर जवाब देना, क्वेश्चन नंबर 21 का टाइमिंग स्टार्ट है। ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल मैंने नहीं डाले हैं, है ना, ऐसा ही आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। fx बराबर mod x-2 आपको बताना है लिमिट इसका। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे जब मोड के अंदर की संख्या 2 से कम है तो मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस लगाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, और जब मोड के अंदर की संख्या 2 या 2 से बड़ी होती है, ये संख्या पॉजिटिव है स्क्वायर रूट के अंदर, तो मोड डायरेक्ट हट जाता है, और डायरेक्ट हटेगा तो ये आ जाएगा x-2, ये आपके पास क्या होगा fx होगा। अच्छा बेटा आप जरा देखो 2+ मतलब दाई सीमा, और दाई सीमा के लिए 2 से ज्यादा वाला काम में आता है ये वाला, जब आप 2 इसमें रखोगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। ये बोल रहा है नॉट इक्वल टू 0, ये क्या बोल रहा है 0, इसका मतलब गलत है। आपको पूछा है 2 माइनस के लिए ये वाला कम वाला x की वैल्यू 2 से कम, जब आप 2 इसमें लिखोगे 2-2 क्या हुआ 0, और ये बोल रहा है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब गलत है। ये बोल रहा है 2+ और 2- बराबर है क्या बेटा, 2+ और 2- 0-0 आ रहे हैं, ये बराबर है, लेकिन इसने बोल रखा बराबर नहीं है, तो ये आपका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। 2 आपको इसमें रखना है, 2 आपको इसमें रखना है। वैसे भी मैं बात बताऊं आपको, मोड वाला जो फंक्शन होता है, मोड वाला फंक्शन डिवाइड में मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, वो फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। अगर ऐसा आ गया तब डिसकंटिन्यूअस, ऐसा आ गया डिसकंटिन्यूअस,
लेकिन अगर आपके पास मोड में चाहे कितने भी जोड़ दो वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अगला सवाल, वाह भाई बेहतरीन सवाल डाला है डिफरेंशिएशन का, लटक मत जाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 बोलो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। और कल आपको पता है ना क्या होगा, संडे को है ना भंडारा है भाई, कल 9 बजे से सुबह, कल 9 बजे से भंडारा है। एक साथ 7 या 8 टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन होगा बेटा, कंप्लीट रिवीजन 200 क्वेश्चंस के साथ में। बेटा यहां पर अगर आप देखोगे कि गुरुजी यहां पर आपके पास लोग का बेस 10 है, गड़बड़ है। सबसे पहली बात तो इस 2 को आप आगे ले आओ, 2 को जब आप आगे लाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है क्या कि गुरुजी? नहीं हो सकता, क्यों? बेस कितना है 10, बेस ई होना चाहिए, तो इसका बेस हम ई बनाएंगे तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा, लॉग एक्स अपॉन लॉग 10 लिख दिया जाएगा। अब अपन चाहे जो बेस इसका क्या लगा सकते हैं, बेस अपने को ई में कन्वर्ट करना है तो ई लगा दो। अब आपके पास ये टर्म तो देखो रही क्या कॉन्स्टेंट, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब 2 अपॉन एक्स लॉग 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में लटक गए बच्चे, लटक गए। अच्छा सही है यार, बी आंसर ही आएगा। ऊपर क्या था? 2 था, आंसर सही निकाला लेकिन मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया, बी ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अच्छा 22 क्वेश्चन 2 बार कैसे आ गया? अच्छा 2 बार आ गया, चलो कोई बात नहीं, 22वां सवाल 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, इसको 23वां ये लो, चलो 23वां ये है क्वेश्चन नंबर 23। बोलो फटाफट इंटीग्रेशन का सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोलो 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 फटाफट क्वेश्चन नंबर 23। अरे इसका तो शॉर्ट लॉजिक बता रखा है मैंने, बहुत सिंपल लॉजिक बता रखा है। चलो जी जरा देखना बेटा, e की पावर x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x इंटू 1/4x आएगा, और e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे x x कैंसिल तो क्या आएगा, e की पावर x इंटू log x आएगा, ये आपके पास हुआ। जरा आप देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप डिफरेंशिएशन कहीं अवेलेबल है? लॉग x का डिफरेंशिएशन ये रहा, तो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है वही राइट आंसर होता है, e की पावर x इनटू लॉग x आपका राइट आंसर, d ऑप्शन कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है क्या? क्लियर, d आंसर आपका करेक्ट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से बोल दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आंसर आएगा? आपने प्रॉपर्टी 4 का नाम सीखा है, प्रॉपर्टी 4 जब आप x की जगह 2a-x करोगे तो ये तो हो जाएगा 2a-x और यहां पर क्या हो जाएगा fx, इसका मतलब बेस में कोई चेंज नहीं हुआ, और बेस में जब चेंज नहीं होता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, इसका मतलब राइट आंसर आएगा पहला ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या? चलो जी लास्ट सवाल आपका, लास्ट सवाल बेहतरीन सवाल, और क्या पूछा है? कोटि और घात आपको पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कोटि और घात। बोलो फटाफट से, मैंने टेलीग्राम पर आपका रिव्यू सेंड कर दिया था, 4 सितंबर को जो पेपर लगा उसका रिव्यू सेंड किया था, आप जाके देख लेना एक बार कि कैसा पेपर आता है, ठीक है? बोलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सवाल आपका, कोटि और घात आपको बतानी है, टाइम आपका हो चुका है, टेस्ट कंप्लीट है। आप जरा देखो कि गुरुजी यहां पर 3 बार डिफरेंशिएशन कर रखा है तो ऑर्डर तो कितना होगा, 3, ये गलत है, ये गलत है। फिर बात करते हैं डिग्री की, कोटि सॉरी घात की, तो यहां से नीचे से 3 को हटाएंगे तो पावर 3 लगानी पड़ेगी, कोटि 3 और घात 3, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आपका टेस्ट होता है कंप्लीट, 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, और बेटा मैथ्स का ध्यान रखना, कल भंडारा है, कितनी बजे? सुबह 9 बजे,
छह या सात टॉपिक एक साथ कराऊंगा, 200 क्वेश्चंस कराऊंगा उनके और टॉप लेवल के। और ये मान के चलो कल की क्लास से 7 या 8 क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का फंस ही जाएंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना कि कितना स्कोर आपका हुआ है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। फिर मुलाकात करते हैं कल की क्लास के अंदर। मेरे से जस्ट बाद में 6:30 बजे क्लास है, संजीव सर का मॉक टेस्ट भी है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस।